श्री रामचरित निषाद जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक महत्वपूर्ण विषय पे शून्यकाल में हमको बोलने का मौका मिला, मैं आपका आभारी हूं। और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि जो मेरा विषय है, अगर आप लोग को उचित लगे तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। आज हिंदुस्तान बड़े धूमधाम से श्रीमद् भगवद गीता का 5191वां वर्ष मना रहा है। देश के लोगों की यह अपेक्षा रही है कि भगवद गीता को राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ घोषित किया जाए। जैसा कि आप समझते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता हर एक व्यक्ति के समस्याओं का निदान व निवारण प्रदान करता है। आज के विश्व युग में हम जो कुछ भी देखते हैं और अनुभव करते हैं और जिन समस्याओं से हम जूझते हैं, ऐसे में गीता उन परिस्थितियों से निपटने के लिए मार्गदर्शक के रूप में हमारे समक्ष उपलब्ध है। यह पवित्र ग्रंथ इस देश की व विश्व की नई युवा पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शन की तरह ठीक वैसे ही प्रेरित करता है जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र का सामना करने के लिए प्रेरित किया था। विदित है कि जब माननीय प्रधानमंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा व दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को गीता भेंट किया था, तब इस ग्रंथ का यह सम्मान मिला जो आज तक नहीं मिला। और इस पहल के लिए हम सब भारतीय अति गौरवान्वित महसूस करते हैं। देश के अन्य लोगों के साथ मैं श्री माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष यह अपेक्षा और मांग रखता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय पवित्र ग्रंथ घोषित किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के सभी सदस्य मेरे इस मांग पर सहमत होंगे। अतः मेरी विनम्र विनती है कि भारत सरकार श्रीमद् गीता को पवित्र ग्रंथ घोषित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।